डिविडेंड इनकम अर्न करने के लिए आपने कुछ आपका खर्चा या कुछ हुआ रहेगा तो दैट डिविडेंड इनकम के लिए जो भी खर्चा है हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्जम्ट है अप टू टेन लैक्स हाँ और उसके ऊपर जो टेन लैक्स के ऊपर टैक्सेबल है उसके लिए भी कंसिडर नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बीबीडी क्लियरली से फ्लैट एट टेन परसेंट नो एक्सपेंसिज अलाउड नो सेट ऑफ अलाउड नथिंग अलाउड बराबर है

चलो ज्यादा नहीं है सेवन एट नाइन टेन फिनिश करते ये भी थ्योरी भी कर देते फिर हाँ हाँ गुड आइडिया रियली अ गुड आइडिया नॉट अ गुड आइडिया विच एवर इज अर्लियर नो विच एवर इज लेटर मुझे लेट नहीं हो रहा है अभी चलो यहाँ है लेक्चर सर का ठीक है देखते हैं चलो फिर ए जो सीक्वेंस है उसमें चलो चलो ए, मतलब मंडे का थोड़ा लेक्चर पीजीबीपी में जाएगा एंड देन कैपिटल गेन स्टार्ट होगा ठीक है स्टार्ट करते हैं ये पढ़ो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग में ये हो गया रहेगा कुछ तो इधर है क्या वुड यू आंसर चेंज इफ दुड्स वहीकल इन अप्रैल टू थाउजेंड एटीन जो दो हजार अठारह में दो व्हीकल परचेज किए आपने दस अप्रिल दो हजार अठारह को यू पुट देम टू यूज इन जुलाई एटीन तो आंसर बदल जाएगा ना जुलाई एटीन से वर्किंग होगा फोर्टी फोर एई में ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट यूसेज समझा नहीं तो पुट यूज करेंगे तो क्या फायदा है वापस फिर से चालू हो जाएगा अच्छा तुमने कितने महीने यूज किया तुमने कितने वी वॉन्ट टू इट टू वी से ओनरशिप यू लाइक इट यू फॉलो इट यू डोंट लाइक इट डोंट फॉलो इट मेंटेन बुक्स गेट मॉडेटेड बराबर चलो तो एक तो इसमें से पहले बताओ हैवी और लाइट व्हीकल कौन सी यहाँ पे हैवी व्हीकल कौन सी क्योंकि हेवी के लिए थाउजेंड पर टन अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड वाली हैवी हो जाएंगी मतलब फाइव और सिक्स नंबर पे जो है दैट इज एंड टू है इज लाइट लाइट के लिए क्या है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर व्हीकल पार्ट देर ऑफ एंड हेवी के लिए क्या है वन थाउजेंड पर टन पर मंथ एंड पार्ट पार्ट देर ऑफ बराबर है हाँ ठीक है चलो करते वर्किंग कंप्यूट इनकम अंडर फोर्टी फोर हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फर्स्ट कब परचेज किया टेंथ अप्रैल 2018 हजार अठारह को hmm? इसका क्या होगा टेंथ अप्रैल 2018 को आपने कितनी व्हीकल्स परचेज की टू टू व्हीकल्स बराबर है तो दीज टू ओनिंग फॉर दस अप्रैल मतलब हो गया पूरे बारह महीने हो गया बराबर तीस अप्रैल भी होता तो भी बारह महीने आता हाँ पार्ट देर ऑफ है वन डे विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वन मंथ सो यू ओन दीज वहीकल फॉर ये कितनी है डेट ऑफ परचेज अपने को डेट ऑफ परचेज इन टू ब्रैकेट पहला यहाँ पे लिखो लाइट व्हीकल ये ए में तो इतनी बार एमेंडमेंट आए एक बार हेवी हेवी नॉन मीडियम ऐसे तीन होते थे फिर हेवी नॉन हेवी फिर हेवी हेवी नॉन का वाइफिकेशन चला गया सबके लिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वापस आ गया तो ओवर द दस एटलीस्ट सीन टेन टाइम्स चेंजेस हैपनिंग इन दैट नॉन दैटीवी

क्या होगा इसका सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन वन व्हीकल इंटू हाउ मेनी मंथ्स पंद्रह दिन ना वन मंथ करेक्ट वन मंथ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्ड सिक्सटीन जुलाई टू थाउजेंड एटीन कितना है ये भी लाइट ही है अच्छा एक याद रखना ना सुनो ना यहाँ मैंने अगर बोल दिया होता कि फर्म है फर्म ने सैलरी पे किया तो जो भी प्रिजम्प्टिव इनकम आएगा ना उसमें से पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट लेस करने का फोर्टी फोर e एक तो इम्पोर्टेंट है इसमें अमेंडमेंट हुआ है और इससे एक ही सेक्शन है जहां से पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट लेस करना अलाउड है अगर यहाँ होता ना मिस्टर एक्स स्टार्टेड इट एज अ पार्टनरशिप बिजनेस विद हिस्स फ्रेंड वाई एंड दे पेड सैलरी टू ईच अदर फर्म पेड सैलरी टू बोथ ऑफ देम देन वॉट फर्म पेड सैलरी टू बोथ ऑफ देम देन व्हाट वी वुड डू 44 ए का जो अभी अमाउंट आएगा ना उसमें से सैलरी और इंटरेस्ट लेस करने का समझ में आ रहा है ना हाँ गलती नहीं करना चलो सिक्स सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू कितनी व्हीकल्स है तीन इन टू नाइन मंथ कितना आता है टू लैख नेक्स्ट इज सेकेंड जैन टू थाउजेंड नाइनटीन वो परचेज किया वो क्या है लाइट एवरी व्हीकल जिसका अनलेडन वेट ट्वेल्व थाउजेंड के जी से ज्यादा है वो हैवी होता है तो एक ही व्हीकल है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन व्हीकल इन टू थ्री मंथ जैन सेवेन मार्च ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड बराबर फिफ्थ व्हीकल परचेज ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड एटीन कर दो उधर दो है ना ये हैवी हो गया ना लेकिन अभी दिस इज हैवी तो टन मतलब कितना फिफ्टीन थाउजेंड के जी डिवाइडेड बाय 1,000 मतलब कितना टन हो गया फिफ्टीन टन 15 टन के लिए इन टू कितने महीने अगस्त से लेके है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च एट फिफ्टीन एट फोर टू ओके टू व्हीकल्स एट मंथ्स टू व्हीकल्स फिफ्टीन टन कितना आ रहा है टू लैख फोर्टी एंड लास्ट ट्वेंटी थर्ड फेफ टू थाउजेंड नाइनटीन को जो खरीदा वो क्या है Heavy. एक ही है क्या तो वापस फिफ्टीन टन हो गया वो इन टू वन थाउजेंड इन टू एक गाड़ी इन टू दो महीने थर्टी तो कितना आ रहा है थ्री लैक्स के नहीं थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड टेक टोटल ऑफ वन टू सिक्स टोटल ले लो एंड देन राइट डाउन टोटल इनकम अंडर फोर्टी फोर एई बराबर अमेंडमेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस हियर सो आई हैव डन इट दिस क्वेश्चन विद योर देखो टोटल इनकम अंडर सेक्शन फोर इज हाउ मच सिक्स लैक्स एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑल ओके विद डन है क्या नाउ स्टूडेंट्स आई कोर्स कैन नॉट टेक क्वेश्चंस ऑन ऑल कंसेप्ट देर अ कंसेप्ट लाइक थर्टी फाइव ए डी उसके ऊपर मैंने क्लास में हम रेगुलर इसमें दो तीन क्वेश्चन करते हैं तो यू मस्ट सी दैट एक नहीं लिया गया है आपको बिल्कुल करना है आई एम नॉट गोड बी एबल टू कवर हंड्रेड परसेंट सिलेबस ओके ओवर योर सो प्लीज अंडरस्टेंड अमेंडमेंट सो आएम कवरिंग कंप्लीटली ठीक है सो टोटल इनकम सिक्स एटी टू फाइव हंड्रेड ऑल ओके विथ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ वुड यू आंसर चेंजेस राइट डाउन वुड यो आंसर चेंज द गुड्स परचेज जो अप्रैल 2018 में दो गाड़ी लिए वो पुट टू यूज जुलाई में किया तो आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज पुट टू यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट सो राइट डाउन दे विल बी नो चेंज इन द आंसर There will be no change in the answer even if the two vehicles, even if the two vehicles purchased in April 2018, even if the two vehicles purchased in April 2018 are put to use, are put to use in july 18 i put to use in july 18 for this section ownership is important for this section ownership is important and not when ownership is important and not when the vehicles are put to use and not when the vehicles are put to use एथ वन अगेन इट्स मॉड्यूल क्वेश्चन क्वेश्चन उधर पढ़ लो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्चुअली और एक क्वेश्चन लिया था बट देन ठीक है ओ इधर नहीं है क्या आई हैव दीज फर्दर क्वेश्चन अच्छा इनिशियली मैंने नहीं ऐड किए रहेंगे और ऐड किया ना बाद में ठीक सो वॉट डू थिंक इज अलावेबल डिस अलावेबल ओवर इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन ड्यूरिंग द इर्स द फॉलोइंग पेमेंट्स एक्सपेंडिचर वेड बाय इनक युहान राजा रेसिडेंट इंडिविज्युअल हुन ओवर इन द लास्ट इॉज नाइनटी नाइन लैक्स सो लास्ट इयर ही वॉज नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑर्डर बराबर है इंडिविज्युअल है ये मतलब इसको सारे पेमेंट्स के लिए टीडीएस uh, का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है बट फॉर सम इट इज एप्लीकेबल इट्स अ डिफरेंट काइंड सी क्या होता है रिविजन में सो आई हैव हैव टू टू डू सम वैल्यू एडिशन आई लाइक टेल यू ये अलग वाला पॉइंट है आप नोट कर लो तो जैसे यहाँ पे पहला है इंटरेस्ट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड वॉज पेड टू रेहमान एंड कंपनी और रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स सो यहाँ पे नो no डिसवेंस इसका आंसर क्या है पहले वाले का ओके वन सी आई टेल यू फर्स्ट वाले का भी आंसर क्या है नो राइट डाउन नो डिसवेंस अंडर सेक्शन फोर्टी ए बिकॉज टी डी एस प्रोविजन्स आर नॉट एप्लीकेबल To the assessee as last year, his turnover is less than one CR, that is, no tax audit. क्यूँकि उसको लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट है ही नहींबल टू डिडक्ट टीडीएस तो इफ इज नॉट लाएबल टू डिडक्ट टीडीएस उसने कुछ गलत काम किया ही नहीं यूर सपोज टू डिडक्ट टीडीएस वेन टीडीएस प्रोविजन बिकम एप्लीकेबल ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है ये हा यू डी वन थिंग लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में कवर्ड था या कव नहीं था नहीं था नहीं 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 ऑप्टेड फॉर प्रिजमटिंग नो

क्यों मैंने ऐसा किया है क्यों मैंने ये आंसर दिया सेकंड पॉइंट के लिए यस इज अ फॉर अंडर सैलरी पे टीडीएस कट कौन करता है एम्प्लॉयर वॉट इज द क्राइटेरिया एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट इफ द सैलरी पेड टू यू इन द ईयर एक्सीड्स बेसिक एग्जामेशन लिमिट तो यहां पे एम्प्लॉयर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में था या लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट में नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता सैलरी के लिए एवरी एम्प्लॉयर वेदर ही इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट और नो ही हैज टू डिडक्ट टीडीएस ना स्टूडेंट्स ये अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे पीजीबीपी में ढूंढोगे इसकी प्रोविजन यहां नहीं मिलने वाली ये प्रोविजन कहां मिलेंगी टीडीएस के चैप्टर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस बट क्योंकि इससे लिंक्ड है तो अभी सीख सकते हो ऐसा नहीं है की टीडीएस इज न्यू फॉर यू सो आई एम टीचिंग अंडरस्टैंड लिसन आर सम लिसप्ट स्टूडेंट्स आई टेल यू वन मोर थिंग जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे कुछ कंसेप्ट ऐसी होती है जिसका अंडरस्टैंडिंग आपका अलग होता है और आप पढ़ने के बाद आपको रियल अंडरस्टैंडिंग होता है इट इज गोन टू हैपन एंड देर इज गोन टू बी रियलाइजेशन वैन यू स्टार्ट स्टडिंग एंड डूइंग दिस थिंग यू डोंट हैव टू वरी टेंशन नहीं लेना है बी हैप्पी दैट रियलाइजेशन हो गया समझा क्या फर्स्ट थिंग डोंट टेक टेंशन ठीक है लास्ट मिनट ऑफ द एग्जाम तक एक दिन पहले तक आपको कुछ ना कुछ नया ऐसे लगेगा अच्छा ये ऐसा होता है ये ऐसे होने वाला है डोंट वरी अबाउट इट टेंशन नहीं लेने का है ठीक है हाँ हाँ आईसीआई को देने का एग्जैक्टली exactly. <laughs> चलो सो so, पहले ये लिखो तो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ डन क्या लिखा क्या नोट यहां पे लिखो एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी एम्प्लॉयर हैज टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी If the salary paid to the employee exceeds basic exemption limit If the salary paid to the employee exceeds basic exemption limit The applicability of TDS on salary the applicability of tds on salary is not dependent the applicability of tds on salary is not dependent on employer's turnover of the last year is not dependent on employer's turnover of last year okay now understand सी एम्प्लॉयर्स फर्स्ट इफ आई एम लाइबल टू डिडक्ट टी डी एस आई शुड इफ आई डोंट देन देर्टी ए का डिसलाव सो इन द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे आपने क्या पे किया था इंटरेस्ट टू अ फॉर्म दस हजार के ऊपर पांच हजार के ऊपर इंटरेस्ट है हाँ तो मुझे टीडीएस एप्लीकेबल होता है बट आई एम नॉट कवर्ड अंडर टीडीएस प्रोविजन बिकॉज लास्ट ईयर माई टर्न ओवर डिड नॉट एक्सीड वन करोड़ सो आई वॉज नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट तो टीडीएस प्रोविजन मुझे एप्लीकेबल ही नहीं है तो डिसअलाउंस का सवाल ही नहीं आता डू यू अंडरस्टैंड दैट सो दो क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस बिकॉज टीडीएस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस Now for salary, am I required to deduct TDS in this situation? Yes, because salary card TDS deduction is not dependent on my turnover. I am the employer. It is dependent upon how much salary I give you. The salary that I give you exceeds basic exemption, then I must deduct TDS. I didn't deduct so punishment. 30% this is disallowance. Correct? Third one. Commission of 16,000 was paid to Vidya Sagar without deduction of TDS. Again, the same thing. नो टीडीएस इज एप्लीकेबल ईयर टीडीएस प्रोविजन इंडिविजुअल को तभी एप्लीकेबल होती है वेन आई एम कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट इन द लास्ट ईयर क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन है हा सैलरी आई एम सपोज टू डिडक्ट टीडीएस ओनली वेन आई एम कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट इन द लास्ट ईयर डिस रूल हैव सम्शन यस वन दट इज सैलरी समझा क्या हा तो थर्ड वाला लिखो नो डिसवेंस No disallowance under Section forty A because tedious provision are not applicable to the assay. बिकॉज TDS प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल टू दी एस क्यों नहीं एप्लीकेबल है बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड इन द टैक्स ऑडिट इन द लास्ट ईयर याद रखना इस साल के टर्न ओवर पर डिपेंडेंट नहीं है ये मुझे कब फिर इस साल के टर्न ओवर पर डिपेंडेंट होता तो मुझे ईयर के एंड पता चलता दैट इज वाइट इज डिपेंडेंट ऑन द टर्न ओवर ऑफ लास्ट ईयर राइट डाउन एज टीडीएस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल एज नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट इन द लास्ट इराबर ये तुम लोग सिक्सटींथ होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए करोगे क्या क्या भी कर दू सॉल्व हाँ कर दू फिनिश सिक्सटींथ दो हो जाएंगे अभी कंप्लीट करोगे होमवर्क ठीक है करो फिर नेक्स्ट वाला करते चलो वॉट गेव यू फॉर होमवर्क सिक्सटींथ ना मतलब आइजैक वाला क्वेश्चन आपके यहाँ नंबरिंग थोड़ा ये हो गया रहेगा देख लो एक बार सिक्सटीन क्वेश्चन मतलब आइजैक वाला क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटीन विनोद वाला क्वेश्चन इट इज अगेन अ मॉड्यूल क्वेश्चन सो आप पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन एंड इट रिलेट्स टू अ प्रोविजन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फोर्टी फोर ए ए बार फोर्टी फोर ए ए का टेबल ओपन कर दो देख लो मैं डिस्कस भी करती हूँ आंसर भी डिस्कस करती हूँ आपके साथ इधर डी वाले पार्ट में ना एक करेक्शन आई डोंट नो तभी बोला रहेगा मैंने आपको बट देख लो यहाँ पे कर देना डी वाले पार्ट इन ऑल थ्री नहीं इन एनी ऑफ द थ्री कर देना आईल टेल यू मैं आपको ना ये लर्न करने के लिए या याद रखने के लिए एक सेंटेंस बोलती हूँ तो आपको ईजी जाएगा मुझे एक चीज बताना आई टेल्यूंग एंड बी फर्स्ट अंडरस्टैंडिफाइड प्रोफेशन हाँड प्रोफेशन तो ए एंड बी जो है पहले दो पॉइंट अच्छा मैं एक और चीज बताती हूँ फोर्टी फोर ए ए अगर आप एक्ट खोलते हो तो ऐसा सेक्शन वाइजल फॉर्म में नहीं होता है सबसेक्शन फोर्टी फोर ए ए सबसेक्शन वन मतलब क्लॉज वन Says who is a specified profession? Then two talks about kya books maintain can I table form and all that is for our understanding. If you think this is not that way, there is some shorter way that we can remember it. Great, like I'll tell you, A or B may is applicable for specified profession. Who is a specified profession? Legal, accountancy, um, interior decoration, architect, uh, advocate, medical, and uh, film artist. ओके तो इन दिस केस एस स्पेसिफाइड प्रोफेशन प्रोफेशन नीड्स टू मेंटेन बुक्स दैट आर स्पेसिफाइड अंडर रूल सिक्स एफ एक रूल बना है जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके रूल्स भी होते हैं यू नो एक्ट में सब कुछ इसमें नहीं दिया जाता है कुछ चीजें कहाँ दी जाती है रूल्स में होती है सो इन

देन दे हैव टू मेंटेन एक लिस्ट दिया है ये लिस्ट कहां दिया है सिक्स एफ में फिर उनको ये मेंटेन करना है मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डोन्ट रिमेंबर द अदर कंडीशन आप उल्टा याद रखो ना कि ऑल थ्री इज में वन फिफ्टी क्रॉस हो गया तो बुक्स मेंटेन करना कंपल्सरी है और ऐसा नहीं हुआ तो मेंटेन सच बुक्स विजुअल अनेबल टू कंप्यूट योर इनकम मतलब आप सिंपल एक ये भी रख सकते हो रिसीट एंड पेमेंट खत्म यू सी आई डोंट मेंटेन बुक्स कैश बुक आई डोंट है जनरल लेजर वाई बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट ने मुझे नहीं स्पेसाई किया सो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए टेबल के वहां पर अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है तो आप ऐसा लिखो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नीड टू में रूल्स ओनली इफ दे आर रिसीड्स एक्सीडन लैख्टी इन ऑल थ्री इन रिमेम्बर ओनली आद रिसीड एक्सीडिंग जैसे इस केस में प्रॉब्लम में देखो एक साल में रिसीड्स एक लाख पंद्रह फिर वन एट्टी फिर टू टेन

ए आ जाएगा तो आपको सब लर्न करने की जरूरत नहीं है ठीक है समझा कि नहीं समझा हम्म ठीक है तो मैं आंसर डिक्टेट करू पहले ये फिनिश करती रुको फिर और मुझे ऐसे लगता है फिर सी और डी में आपने क्या याद रखना है देन रिमेम्बर सी वाला सी वाला यहाँ पे सी और डी में कौन सा लर्न करना इजी लर्न करने के लिए सी है वॉट एज सी से सी अ नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन लाइक आई एम अ बिजनेसमैन ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स तो मेरा बिजनेस स्पेसिफाइड इसमें आता है क्या नहीं आई एम डूइंग ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स आई एम अ नॉन स्पेसिफाइड तो यहाँ पे क्या बोला गया है देन ह्यर दे हैव सेड इफ दे आर इनकम फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन एक्सीज वन ट्वेंटी एक्सीड्स टेन लैक्स इन एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स कुछ भी मेनटेन नहीं किया तो चलेगा हाँ बट ऐसा ना नहीं होता है एवरीबडी ना वट इज वांस टू मेंटेन ठीक है ठीक है क्या देखो एक बार सी और डी देखो यहां पर ऑल थ्री का क्राइटेरिया नहीं है अगर लास्ट ईयर में उनका टर्न किसी भी एक और डू यू थिंक डी इज इजी टू रिमेंबर आई थिंक सी इज ओली इजी सी इज द ओनली वन कैटेगरी जहां पे आपने बुक्स मेंटेन नहीं किए तो भी चलते क्या है ये कौन सी कैटेगरी है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन जिनके रिसीट्स एक लाख बीस हजार या दस लाख दे डू नॉट एक्सीड इन एनी वन ऑफ द प्रिवियस ईयर एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर ये उनका एक लाख बीस या दस लाख के ऊपर नहीं जा रहा है मतलब कम है उससे कम है इसलिए उनको कोई बुक्स मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा बराबर है मतलब किसी भी एक साल में भी अगर ये एक्सीड हो गया तो यू विल हैव टू मेंटेन सच बुक्स दैट विल अनेबल द एओ टू कम्प्यूट द इनकम ए बी सी डी ई सुनो ई इज फॉर प्रिजर्मटिव बेसिस जो बेसिस ऑप्ट नहीं प्रिजमटि उनको बुक्स मेंटेन करनी है। कौन सी बुक्स लिस्ट लिस्ट नहीं दी है सिर्फ कैटेगरी बी के लिए है लिस्ट सिर्फ किसके लिए है कैटेगरी बी कैटेगरी बी कौन है स्पेसिफाइड कैटेगरी बी कौन है स्पेसिफाइड इसके ऊपर आया तो थ्योरी क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ठीक है तो लर्न करते वक्त कौन सा लर्न करना बी और सी और बाकी का फिर उल्टा ऐसे आप करते हो ना सेट्स होते हैं ना आपको मैथ्स में ट you know, तो यू हैव टू रिमेंबर अगर बी आ गया तो ए उसका ऑपोजिट आने ही वाला है आपको क्या बोलते है वैसे वो सेट्स को क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एंड ऑल है ना मैथ्स में था मैंने भी तभी पढ़ा है It's a very interesting and a nice concept, no? Okay, coming back to our question, write down. Write down, Vinod is a film artist and therefore a specified profession. Vinod is a film artist and a specified profession. We know there is a film artist and a specified profession. Correct? Then write down for specified profession, for specified profession, maintenance of books, for specified profession, maintenance of books. As per rule six F. Maintenance of books as per rule six F is required only if only if their gross receipts only if their gross receipts exceed one lakh fifty thousand. Only if their gross receipts exceed one lakh fifty thousand in all three years, huh. Uh -huh. all three preceding years. In all three preceding years. Correct? In this case, the gross receipts do not exceed 1,50,000 in all three preceding years. In this case, the gross receipts. Do not exceed one lakh fifty thousand in all three preceding years. Ne na exceed. Ek kam hai na ek na They do not exceed. Do not exceed one lakh fifty thousand in all three preceding years. Therefore, no need to maintain books as per rule six F. Therefore, no need to maintain books as per rule six F but assessee can maintain no need to maintain books as per rule 6f but assessee can maintain can maintain what books can maintain such books that will enable the assessing officer maintain such books that will enable the assessing officer

क्लास है वो सो वी आर डन राइट नाउ विथ इट एंड मैं मंडे को व्हाट आई विल डू आई थिंक वन वन एंड हाफ आर आई स्पेंड फॉर पीजीबीपी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करवा के लूंगी और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो बचा है एक हाथ दो कंसेप्ट वो बता के आई विल स्टार्ट विथ व्हाट डू यू वांट मी टू स्टार्ट विथ आईओस और कैपिटल गेंस गेन्स नहते आईओ एस कैपिटल गेंस ओके सो आई स्टार्ट विथ कैपिटल गेंस सी यू ऑन मंडे Enjoy your Sunday now.